अच्छा, तो लास्ट हम ये चैप्टर नंबर 10 शुरू कर चुके थे, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। तो इसमें हमने सीएसएस के रूल्स पढ़ लिए थे और सेलेक्टर्स भी कुछ हमने पढ़ लिए थे। हाँ, ये सेलेक्टर्स हम पढ़ रहे थे, और ये सेलेक्टर जो है ना मेरे भाई, आपको ऐसा शायद फील हो कि ये पता नहीं कहाँ यूज़ होंगे, लेकिन जहाँ पे सेलेक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है ना, वहाँ पे फिर उसके बगैर काम नहीं होता। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक अच्छी बात ये है कि आपको ना कभी भी कोई, जब आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो या आप जॉब में बाकायदा बैठ के जब आप काम कर रहे होते हो, तो कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप बुक क्यों खोल रहे हो। सही है, बुक खोलने की इजाज़त होती है। अगर आपको इंटरव्यू में भी ना, अगर वो कहेगा कि ये 1 घंटे का टास्क है, आप बैठ के बनाओ इसको, उसका ना स्लीप भी बंद कर दो, उसको मिनिमाइज़ करके, इसका ऑटो स्लीप है ना, वो हटा दो सेटिंग में से जाके, तो वो आपसे ना कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप ये बुक क्यों खोल रहे हो। सही है, बुक खोलने की इजाज़त सब जगह होती है। तो ये जो आपका ये वाला पेज है ना, इसको मिनिमाइज़ करो ना तुम मेरे पास ये एक्सेस ले रहे हो इसका, तुम ना ये तुम्हारा एक्सेस मैंने बंद कर दिया। और बोलो, ये तुमने कौन सी सेटिंग खोल रही है बच्चा? इसकी अपनी इसकी सेटिंग नहीं होती, कंप्यूटर की सेटिंग में ऑटो स्लीप लगा होगा। हाँ, राइट क्लिक करो इधर, एक स्लीप होता है इसमें, वो फिलहाल के लिए बंद कर दो। प्रोजेक्ट ये पावर एंड स्लीप, हाँ इसमें ये स्लीप जो है ना स्क्रीन, बस काफ़ी हो गया। सही है, नहीं वो स्क्रीन भी आप बढ़ाओ ना, 2 घंटे की आपकी क्लास होती है ना, 2 आवर्स कर दो बस। हाँ चलो बंद कर दो बस, और इसको मैक्सिमाइज कर दो। मैक्सिमाइज करना आता वो ऊपर छोटा सा एक बटन, एक और भी है वो। नहीं भाई, ये इधर जो बटन वाला है, ये वाला, ये मैक्सिमाइज है। एक्सपेंड एक्सपेंड इज हाँ, समाइज क्या हुआ एक ही बात होता है, एक्सपेंड और मैक्सिमाइज। यार बैठ जाओ। अच्छा, तो कभी भी आपको ना अगर सीएसएस सेलेक्टर की ज़रूरत पड़े, तो ये आपके पास एक, आप समझ लें कि चीट शीट कह लें आप इसको, या रूल ऑफ थम्स कह लें, ये आपके पास मौजूद होगा ना, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग को आप रट नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ये। प्रोग्रामिंग में तरीका यही होता है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, तो आप हैंड्स ऑन हो जाता है, आपका हाथ सेट हो जाता है। ठीक है, एक मसल मेमोरी एक चीज़ होती है, पता है ना। मिसाल के तौर पे तुम लोग बाइक वगैरह चलाते होगे, तो शुरू में जब बाइक चलाते हो हर चीज़ को देखना पड़ता है, बट अब वो ऑटो पायलट है ना, सबकॉन्शियस में चल रहा होता है, तो मसल मेमोरी होती है वो। तो जब प्रोग्रामिंग को आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपकी मसल मेमोरी में चीज़ें आ जाती हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग को आप रट नहीं सकते, तो इसको याद करने की कोशिश कोई भी ना करे। इसको प्रैक्टिस करेंगे आप जब डेली बेसिस पे, तो आपका खुद ही हाथ सेट हो जाएगा। और जो प्रोग्रामिंग की क्लास हम पढ़ रहे होते हैं, इसके अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ये नहीं होता कि प्रोग्रामिंग आपको हम याद करा दें, कभी भी ऐसा नहीं होता। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको ये पता चल जाए कि अवेलेबल टूल्स कौन कौन से हैं। तो आपको अगर ये पता चल गया ना कि ये अवेलेबल टूल्स ये हैं मेरे पास, तो दैट्स इट। जब आप कभी फिर एक्चुअल प्रोग्रामिंग करने बैठोगे, तो आपको पता होगा कि ये टूल अवेलेबल है। अब वो टूल ही चलता कैसे, काम कैसे करता है, वो बुक आपके पास हमेशा होगी, आपके पास इंटरनेट हमेशा अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी बुक फिर नहीं देखनी होती ना, अल्टीमेटली फिर जाहिर है आपको बुक देखे बगैर ही करना होता है काम, क्योंकि अगर आप फिर जब डेवलपमेंट के दौरान, यानी आप प्रोफेशनल ग्राउंड पे आप जब बार बार बुक खोलते हो ना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो ऐसा भी ना हो कि आप हर दफ़ा ही बुक खोल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जाहिर है आप जब डेली बेसिस पे करते हो, तो आपको उसको फिर बुक नहीं देखनी पड़ती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दरमियाने उस पर हमें रहना है, कि बिल्कुल भी याद करने की कोशिश नहीं करनी है, प्रैक्टिस पे चलना है, और बहुत ज़्यादा बुक को भी देखने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो आगे चलते हैं हम यहाँ से। अब ये कि इन्होंने टॉपिक डिस्कस किया है यहाँ पे कि हाउ सीएसएस रूल कैस्केड, क्वेश्चन
कोई आप में से मुझे बता सकता है कि अंग्रेजी में कैस्केड किस चीज़ को कहते हैं? क्योंकि नाम में छुपी भी है सारी कहानी, नाम पे अगर आप गौर करेंगे तो सारा आपके सामने खुल के आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। व्हाट डज इट मीन बाई कैस्केड? गूगल पे जाके लिखोगे ना कैस्केड तो देखो क्या आता है। फोटोज क्यों नहीं आ रही? ये रही, दिस इज व्हाट वी कॉल कैस्केड। अच्छा, कैस्केड का मतलब होता है ना कि फैलना, सही है। एग्जैक्ट मुझे मीनिंग नहीं पता, वो डेफिनेशन देख लेना। लेकिन कैस्केड जैसे पानी को आप अगर, ये झरना एक है ना, अगर आप पानी को गिराते हैं किसी पत्थर के ऊपर तो वो क्या होता है, पहले एक स्टेप नीचे आता है, फिर उसके बाद एक और स्टेप नीचे आता है, फिर उसके बाद, तो इस तरह करके वो फैल रहा होता है। तो इस फिनोमेना को शायद कैस्केड कहते हैं। तो ये आपको बताना ये चाह रहे हैं कि CSS के रूल्स जब आप अप्लाई करते हैं, अब इमेजिन करें कि एक रूल था वो आपने किसी एलिमेंट पे अप्लाई कर दिया, लेकिन उसी एलिमेंट पे सेम रूल दोबारा अप्लाई कर दिया किसी और ने, किसी और जगह से अप्लाई हो गया, तो अब उसमें से कौन से वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, कैसे वो फैलेगा? ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने स्टैरिक वाला जो सिलेक्टर अभी पढ़ा था, किसी ने स्टैरिक लगा के सब पे ही कोई ऐसा रूल अप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा? ठीक है, तो इसके तीन रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये कैस्केड होता है। नंबर एक है लास्ट रूल। अच्छा, पहले तो ये हम ज़रा देख लें कि ये बता क्या रहे हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप गौर से देखिएगा। इफ़ देयर आर टू और मोर रूल्स दैट अप्लाई टू द सेम एलिमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच विल टेक प्रेसिडेंस। तो ये कैस्केडिंग, जो आप इसका जो एब्रीवेशन है ना CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो ये कैस्केडिंग समझ रहे हो ना क्या है कैस्केडिंग? तो एक तो ये हो सकता है कि दो पे अगर एक जैसी चीज़ अप्लाई कर दी तो एरर आ जाए, बट एरर नहीं आता इसके अंदर, वो कोई एक प्रेसिडेंस ले लेता है और वो अप्लाई हो जाता है। अच्छा, तो पहला ये कि जो लास्ट में बात लिखी हुई होगी ना उसको प्रेसिडेंस दी जाएगी। इमेजिन करें लाइन नंबर वन में मैंने कहा कि इस हेडिंग को इसका कलर रेड कर दिया जाए, लेकिन लाइन नंबर सिक्स या सेवन में आके मैंने दोबारा ये बात कही कि इसी हेडिंग का कलर ब्लू कर दिया जाए। तो जो बात लास्ट में लिखी हुई है ना वो क्या करेगी, वो पहले लिखी गई बात को ओवरराइट कर देगी। अगर पहले कोई बात लिखी गई थी CSS में, स्टाइलिंग लिखी गई थी कोई, वही स्टाइलिंग अगर मैं दोबारा लिखूंगा तो पहले वाली ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट रूल जो है वो उसका प्रेसिडेंस होगा। इफ़ द टू सेलेक्टर्स आर आइडेंटिकल द लेटर ऑफ द टू विल टेक प्रेसिडेंस, जो बाद में आया लेटर वो उसकी प्रेसिडेंस होगी। हेयर यू कैन सी द सेकेंड वन सेलेक्टर टेक्स द प्रेसिडेंस ओवर द फर्स्ट। अब इन्होंने ना ये एक एग्जाम्पल बनाई है, ये एक HTML का कोड लिखा हुआ है चुन्ना मुन्ना सा, और इसमें नीचे इन्होंने कुछ CSS अप्लाई की हुई है और उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अब यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वाला ऐसा CSS है जो दो दफ़ा लिखा हुआ है, और फिर हम रिज़ल्ट में ये देखने की कोशिश करेंगे कि उन दोनों में से कौन सा अप्लाई हुआ है। सबसे पहले इन्होंने स्टैरिक लगा के ना फॉन्ट फैमिली को क्या कर दिया है, एरियल, वर्दाना और सैंस सेरिफ। अब ये सैंस सेरिफ क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद अगली ही लाइन में H1 को इन्होंने कहा कि इसको कर दो आप कोरियर न्यू मोनोस्पेस, ठीक है, फॉन्ट को चेंज कर दिया। स्टैरिक की वजह से तमाम डॉक्यूमेंट का फॉन्ट एरियल हो चुका था, बट जैसे ही इन्होंने H1 को बोला कि यार इसका फॉन्ट दूसरा कर दो, तो रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि हेडिंग में मोनोस्पेस फॉन्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, मोनोस्पेस को। और ये कोरियर एरियल अभी हम ये अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे उसको। अच्छा, दूसरा है स्पेसिफिसिटी, कि अगर इफ़ वन रूल इज़ मोर स्पेसिफिक देन द अदर, मोर स्पेसिफिक रूल विल टेक प्रेसिडेंस ओवर द जनरल वन। मिसाल के तौर पे एक H1 का एलिमेंट था वो, और एक स्टैरिक करके मैंने लगाई हुई है स्टाइलिंग, तो स्टैरिक वाला जो है क्योंकि वो स्पेसिफिकली नहीं बता रहा कि किस एलिमेंट पे इसको अप्लाई करना है, तो दिस वन इज़ मोर जनरल, और जो H1 करके मैं बता रहा हूँ दैट इज़ मोर स्पेसिफिक एज कॉम्पेयर, ठीक है, स्पेसिफिक तो ये H1 भी पूरा स्पेसिफिक नहीं है, बट एज कॉम्पेयर टू स्टैरिक H1 इज़ मोर स्पेसिफिक।
तो एच वन करके जो मैंने बात लगाई है ना, उसकी प्रेसिडेंस होगी, ठीक है? अच्छा, फिर भी एच वन की प्रेसिडेंस होती। अच्छा, तो अच्छा अब आप इमेजिन करें कि एक और इसी तरह का सेलेक्टर है, मैं बोलता हूँ कि यार एक डिव है जिसकी आईडी वन है, उसके अंदर मौजूद जो एच वन है ना, उसका कलर ब्लू कर दो। तो दिस वन इज मोर स्पेसिफिक देन जस्ट एच वन। अगर जस्ट एच वन लिखा हुआ है, इसका मतलब है पूरे एच टी एम एल के डॉक्यूमेंट में जितने भी एच वन है सबकी बात हो रही है। बट यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, एक स्पेसिफिक डिव बताता हूँ, इस डिव के अंदर जो एच वन है, दिस रूल इज मोर स्पेसिफिक, ठीक है? तो स्पेसिफिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसकी प्रेसिडेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये रूल नंबर 2 हो गया। अभी ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये सारा कुछ। अच्छा, तीसरा है इम्पॉर्टेंट। यू कैन ऐड इम्पॉर्टेंट आफ्टर एनी प्रॉपर्टी वैल्यू इंडिकेट दैट इट शुड बी कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर रूल दैट अप्लाइज टू द सेम एलिमेंट। अच्छा, कुछ रूल के साथ ना यहाँ पे इन्होंने इम्पॉर्टेंट लगा कर दिखाया हुआ है, ठीक है? इस तरह आप इम्पॉर्टेंट का कीवर्ड लगा के इसको ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ये वाला जो आपने रूल है ना, ये इसको इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा कंसिडर करनी है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट लगाना बैड प्रैक्टिस समझा जाता है। कोशिश आपने करनी है कि आप इम्पॉर्टेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट का इस्तेमाल करने से ये होता है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा हो जाती है, और फिर बाद में आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये रूल इस पर क्यों अप्लाई हो रहा है, ठीक है, किसी दूसरी जगह पे। क्योंकि जाहिर है जब ज़्यादा कोड लिखा हुआ होता है तो ये इम्पॉर्टेंट जो है, ये काइंड ऑफ इसको आप कह लें कि एक काइनेटिक फोर्स है, एक ब्रूटल फोर्स है, जो फिर मतलब मेन फ्लो से हट के ना उसको कहता है कि बस यही लगेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट का इस्तेमाल जो है ना, कोशिश आपने करना है कि आप ना करें। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किया हुआ है बुक में, मे बी इन्होंने आगे कहीं किया हो, लेकिन जो आपका कोड कहाँ गया, ये हमने हेलो वर्ल्ड में सीखा था ना कि तीन तरह से आप सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीन तरीक़ों में भी ना, एक की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, एक की प्रेसिडेंस कम है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रेसिडेंस होगी वो किसकी होगी, इन लाइन सी एस एस की होगी। अगर एक बात मैंने इन लाइन सी एस एस के ऊपर लिखी हुई है और एक बात मैंने इंटरनल सी एस एस में लिखी हुई है, तो उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा किसकी होगी, जो इन लाइन वाला है, सही है? अच्छा, इसी तरह जो एक्सटर्नल फाइल है, इसका जो प्रेसिडेंस है वो इन दोनों के मुकाबले में कम है, सही है? अच्छा, तो हमने लेकिन क्या करना है, हमने हमेशा कोशिश करनी है हम एक्सटर्नल फाइल का इस्तेमाल करें। अब एक्सटर्नल फाइल को इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये आपको जब समझ आएगा, जब हम 2 पेजेस की या 3 पेजेस की वेबसाइट पे स्टाइलिंग करेंगे ना, तो फिर आपको ये फ़ौरन समझ आ जाएगा, और ये हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो हमने जो लास्ट ये बनाई थी ना, वेबसाइट विथ मल्टीपल पेजेस, इसी को ही हम स्टाइल करेंगे जब, तो आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करें कि जो नेविगेशन बार बना हुआ था हमारा, अभी तो हमने वो नेविगेशन बार को लिस्ट के तौर पे बनाया हुआ था, तो उस पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी ना, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी हमारे पास। अच्छा, उस पर जो भी हमने उसको पैडिंग देनी होगी, मार्जिन देना होगा, कुछ कलर देना होगा, कुछ बॉर्डर्स वगैरह देने होंगे, ताकि वो एक बटन की शेप में दिखे, बटन जैसा बन जाए। अच्छा, वो लेकिन बटन जो है वो 4 अलग अलग पेजेस में, और मुझे 4 अलग अलग पेजेस में एग्जैक्ट सेम बटन दिखाना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं इनलाइन सी एस एस या इंटरनल सी एस एस, सेम सी एस एस 4 फाइलों में लिख रहा हूँ मैं अलग अलग, समझ रहे हो? सेम सी एस एस 4 फाइलों में लिखूँगा। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक फ़ाइल अलग से बनाऊँ सी एस एस की, और उन चारों के साथ उसको अटैच कर दूँ लिंक के ज़रिए, समझ रहे हो? तो ये जाहिर है कोई भी वेबसाइट होती है वो मल्टीपल पेजेस में ही मुश्तमिल होती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही अब शायद बहुत कम होता हो कि एक वेबसाइट में एक ही पेज है, 4-5 पेजेस आमतौर पे होते हैं। तो इस वजह से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे चारों पेजेस पे एक जैसे दिखाने हैं, तो मुझे 4 अलग अलग फाइलों में बजाय कोड रिपीटेशन करने के बजाय एक फ़ाइल अलग से बना के उसमें मैं लिखना ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल है। स्टिल जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इनलाइन सीएसएस का हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इम्पॉर्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने कोशिश करनी है हम उसको अवॉइड करें। अच्छा, तो ये हमने कैस्केडिंग इसकी समझ ली कि ये कैस्केड कैसे होता है। अगर कभी आपके हाथ से छूटे तो
ये कैसे गिरेगा, कैसे फैलेगा? अब एक चीज़ है हमारे पास, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता सकता है? What does it mean by inheritance? नहीं, हाँ भाई आप में से, हाँ अच्छा हाँ, जो कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं मौरूसी बीमारी, कि वो आबाओ अजदाद से चलती भी आ रही होती है। वेल इनहेरिटेंस जो होता है ना, वो पीछे से चलता हुआ आ रहा है भी सही था, लेकिन मोर एक्यूरेटली अगर आप इसको बोलेंगे तो आप शायद ये कहेंगे कि जो चीज़ आपने अपने एंसेस्टर्स से इनहेरिट किए, एंसेस्टर से इनहेरिट किए। मुझे इनहेरिट के अलावा कोई इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ आपको। हाँ, जैसे कुछ देख रहे हो, सबसे पहले पैसे पे नज़र है इसकी विरासत मिली है तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो अगर एक शख्स है, वो अगर फौत हो जाता है, तो उसके जो जो पजेशन में जो भी जायदादें हैं, तो वो उसके डिसेंडेंट्स जो होते हैं उसमें डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो वो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, कि ये जैसे एक बंदा है, वो उससे अगर हम पूछते हैं कि यार ये घर आपको कहाँ से मिला, तो वो कहता है ये घर मैंने ख़रीदा नहीं है, इनहेरिट किया है अपने बाप से या अपने चाचा से, इनहेरिट किया मैंने। तो उसको इनहेरिटेंस, इस चीज़ को हम कहते हैं कि जो अच्छा, इनहेरिटेंस में सिर्फ जायदादें नहीं होती हैं, आपके स्किन का कलर, आपके आपके मिजाज की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, आपके DNA, जो DNA के अंदर जो आपके जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जो वो सारी चीज़ें भी, कुछ बीमारियां भी इनहेरिट हो जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर अम्मा अब्बा दोनों गोरे हैं तो बच्चा मोस्ट प्रॉब्ली गोरा ही होगा, है हाँ वैसे भी अदब के दायरे में रहते हुए साइन अच्छा, तो जो आँखों का कलर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनहेरिट हो जाता है, ठीक है, माँ बाप से इनहेरिट होता है। जो आपकी हाइट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, सही कह रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों माँ बाप दोनों हाइट में लंबे हों तो बच्चा भी लंबा ही हो हाइट में, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, ठीक है। आप कहते हैं ना जो कि भाई तुम तो बिल्कुल अपने अब्बू पे गए हो कहती है ना अम्मा ऐसे, बिल्कुल अपने बाप पे गया ये लड़का, तो वो इनहेरिटेंस हम इस चीज़ को कहते हैं कि जो जिसमें स्किन का कलर, बाल का कलर, आपकी जो, कुछ लोग ख़ानदानी मोटे होते हैं, है ना, जो चौधरी होते हैं ख़ानदानी मोटे होते हैं, वो ख़ानदानी जानदार होते हैं, ठीक है। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, थोड़े पतले सूखे से बिल्कुल अच्छा वेल तो अब CSS के अंदर इनहेरिटेंस जो है वो कैसे होगी? CSS के अंदर इनहेरिटेंस ऐसे होगी कि ये देखो, ये बना हुआ एक डिव, तो ये H1 जो है इसका क्या है, ये चाइल्ड है। ये हमने CSS के सेलेक्टर में भी देखा था कि जो आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो एक ट्री स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ट्री स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक स्टेम होगा, उसके अंदर फिर चिल्ड्रन होंगे, फिर और चिल्ड्रन होंगे। तो ये एक डिव है, ये यहाँ पे ओपन हुआ है इसका टैग, यहाँ पे इसका टैग क्लोज हुआ है, और ये दरमियान में ये तीन जो है, ये तीनों इसके रिलेशन में डायरेक्ट चाइल्ड हैं इसके। अच्छा, ये तीनों आपस में क्या है, सिबलिंग है। अच्छा, अब इमेजिन करो कि मैंने इस डिव के ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई की है, स्टक हो गया ये। अच्छा, ये मैंने जूम किया इसको, जूम नहीं काम करता है इसके अंदर, वो आ जाए ना जो हमने वायरलेस डिस्प्ले जो बताया हुआ है, तो वो काफ़ी बेहतर है। तो अब अगर इस ये डिव पेरेंट हो गया, फिर जब वो तीनों चाइल्ड में, तो इस पेरेंट के ऊपर अगर मैं कोई स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ, तो क्या वो इसके चिल्ड्रन पे भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी या नहीं होगी? ये मतलब इनहेरिटेंस हो जाएगी या नहीं होगी, ये क्या चीज़? तो उस बारे में इन्होंने क्या लिखा है, इफ़ यू स्पेसिफाई फॉन्ट फैमिली और कलर प्रॉपर्टीज़ ऑन द बॉडी एलिमेंट, दे विल अप्लाई टू मोस्ट चाइल्ड एलिमेंट्स। दिस इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ फॉन्ट फैमिली इज़ प्रॉपरली इनहेरिटेड बाई चाइल्ड एलिमेंट्स।
कह रहा है कि अगर आप ना फॉन्ट फैमिली या सिंपली आप फॉन्ट कह लो, जो फॉन्ट इतने सारे होते हैं अलग अलग, अगर आप फॉन्ट अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, जो बिल्कुल सबका पेरेंट है ऑब्वियसली बॉडी, तो वो अप्लाई हो जाएगा मोस्ट चाइल्ड एलिमेंट्स पे. अच्छा, इसने ऑल चाइल्ड एलिमेंट्स नहीं बोला है, ठीक है. क्यों नहीं बोला इसने ऑल चाइल्ड एलिमेंट्स? क्योंकि चाइल्ड एलिमेंट में ज़ाहिर है HTML के तमाम एलिमेंट है, तो इमेजेस भी होंगी उसमें, इमेजेस पर तो फॉन्ट होता ही नहीं है, ठीक है. तो इसलिए इसने मोस्ट चाइल्ड एलिमेंट्स बोला है. इसी तरह कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं जिनमें फॉन्ट का तसव्वुर नहीं है, ऑडियो, वीडियो और आपकी जो और भी अभी आप इनपुट जैसे है, कुछ इनपुट्स ऐसे हैं जिसमें फॉन्ट नहीं होता, ठीक है, जैसे रेडियो बटन वगैरह है. तो मोस्ट चाइल्ड एलिमेंट का मतलब है कि तमाम चाइल्ड एलिमेंट पे ये इनहेरिट हो जाएगा. अच्छा, क्यों ऐसा होगा? दिस इज़ बिकॉज द वैल्यू ऑफ फॉन्ट फैमिली इज़ इनहेरिटेड बाई चाइल्ड एलिमेंट. ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है. अच्छा, इट सेव्स यू फ्रॉम हैविंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी एज सो मैनी एलिमेंट्स एज द रिजल्ट ऑफ सिंपलर स्टाइल शीट. अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इनहेरिटेड होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉट इनहेरिटेड होती हैं, ठीक है. वो फॉन्ट फैमिली इसलिए आ जाएगा चाइल्ड चिल्ड्रन पे भी क्योंकि वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है. अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिटेड जानबूझ के रखा गया है, उससे होता ये है कि आपको एक ही प्रॉपर्टी बहुत सारे एलिमेंट पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका जो स्टाइल शीट होता है एज अ रिज़ल्ट वो सिंपलर होता है. अच्छा, और इसको होना भी ऐसा ही चाहिए. इमेजिन करें कि एक डॉक्यूमेंट है, उसका अगर एक पैराग्राफ एक ख़ास फॉन्ट में है तो अगला भी उसी फॉन्ट में होना चाहिए. बुक्स जो होती हैं उसमें फॉन्ट एक जैसा होता है हर पैराग्राफ का. बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक पैराग्राफ में हल्का सा फॉन्ट डिफरेंट होता है, या कहीं पे कोई कोटेशन वगैरह बताई जा रही होती है किसी की, तो वहाँ पे फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन पैराग्राफ जितने होते हैं वो तो सारे एक जैसे होते हैं. तो इसलिए इसका मेक सेंस भी है कि ये इनहेरिट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो नॉट इनहेरिटेड होती हैं. यू कैन कंपेयर दिस विद बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर प्रॉपर्टी, दे आर नॉट इनहेरिटेड बाई चाइल्ड एलिमेंट्स. कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी, अब ये वो इसकी लिस्ट कहाँ पर है कि कौन सी इनहेरिट है कौन सी नहीं है, वो जब आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, तो हर प्रॉपर्टी के साथ मेंशन होता है कि ये इनहेरिट है या नॉन इनहेरिट है ये. तो कह रहे हैं बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है ना, दे आर नॉट इनहेरिटेड बाई चाइल्ड. तो अगर आप इसको बॉडी पे लगाते हैं तो वो बॉर्डर सिर्फ बॉडी पे ही शो होगा. अगर आप उसको किसी डिव पे लगाते हैं तो वो सिर्फ डिव पे शो होगा, उसके चाइल्ड पे वो शो नहीं होगा. अच्छा, कह रहे हैं आप इमेजिन करें कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी मैंने बॉडी पे अप्लाई की और वो अप्लाई हो गई तमाम चिल्ड्रन पे या कुछ पे भी एटलीस्ट, तो पूरा मेरा पेज कैसा हो जाएगा? मैसी हो जाएगा बहुत, ठीक है. क्योंकि वो तो आपको पता है हर एलिमेंट एक स्क्वायर बॉक्स है, वो आप सब पे ही बना हुआ आ जाएगा बॉक्स, तो वो बहुत अजीब सा और बहुत मैसी लगेगा. तो इसी तरह आप इंसानों में भी देखेंगे ना कि कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं वो इनहेरिट होती होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ आप कुछ भी कर लें इनहेरिट नहीं होती वो, ठीक है. जैसे अब अम्मा अब्बा की जो जायदादें हैं वो तो इनहेरिट हो ही जाती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके वो जैसे भी हो जाती है, लेकिन अम्मा अब्बा ने जो नेक अमाल किए हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं. बच्चों को अपने अमाल खुद करने पड़ते हैं, ऐसा ही है ना. तो अमाल अपने अपने भाई, वो इनहेरिट नहीं हो सकते. तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब गौर करेंगे, वो इनहेरिट नहीं होती, ठीक है. अगर अब्बा ठंडे मिजाज के हैं, अखलाक के अच्छे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बेटे में वो इनहेरिट हो ही जाए. बेटे को अपने अखलाक खुद बिल्डअप करने पड़ते हैं, ठीक है. बेटे को अच्छी संगत खुद तलाश करनी पड़ती है. तो बिल्कुल ऐसा ही है इंसानों में भी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो जाती हैं कुछ नहीं होती हैं. अच्छा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिट वाली है और कौन सी वाली नहीं है? एक तो बात ऑब्वियस है कि जिस प्रॉपर्टी को इनहेरिट होना मतलब मेक सेंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट ही है. बट मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर CSS और साथ में मैंने MDN लिखा है, ठीक है. MDN जो ये मोज़िला डेवलपर डॉक्यूमेंट्स है, आप सब लोगों को इससे पहले भी इंट्रोडक्शन हो चुका है.
तो ये ना बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है इन्होंने CSS को लेकर, और HTML भी लिखी है इन्होंने, JavaScript की भी लिखी है, जो तीनों स्टैक है ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने बहुत अच्छे से लिखी है मोज़िला वालों ने। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड कलर को डिस्कस किया जा रहा है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ होगा कि ये इनहेरिट हो जाती है या नहीं हो जाती है। सही है, तो कंट्रोल F करके मैं इस पर इनहेरिट लिखूंगा, तो ये देखो फॉर्मल डेफिनेशन इनहेरिटेड नो, ठीक है, ये इन्होंने लिख दिया। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं किसी और प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, जैसे ये बैकग्राउंड कलर है ना, इसी के साथ एक और होगा मेरे पास बैकग्राउंड इमेज। ऑब्वियसली ये भी नॉट इनहेरिटेड है कि एक बैकग्राउंड मैं किसी डिव के बैकग्राउंड इमेज पे कुछ लगाता हूँ तो ऐसा नहीं कि उसके H1 की भी बैकग्राउंड पे लग जाए, तो मैसी हो जाएगा। तो आप इसको कॉमन सेंस इस तरह भी समझ सकते हैं कि कौन सा इनहेरिट होना चाहिए कौन सा नहीं है, किसी में कन्फ्यूजन हो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। अच्छा, कोई मैं अच्छा सा कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ, कलर, जैसे कलर में इनहेरिटेड यस है, बुक में हमें बता दिया उन्होंने, बट हम उसको यहाँ पे तलाश करते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन इनहेरिटेड यस, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप किसी भी एलिमेंट को देख सकते हैं कि वो इनहेरिट है या नहीं है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं है उसको आप ना इनहेरिट करवा भी सकते हैं ज़बरदस्ती। सही, आप कहेंगे यार इनहेरिट हो जाओ आप, मिसाल के तौर पे इस डिव के ऊपर आपने एक बॉर्डर लगाया, ठीक है, एक अच्छा सा प्यारा सा आपने बॉर्डर सोच समझ के कुछ बना लिया आपने, अच्छा सा लगाया। अब आपने सेम बॉर्डर ये इस पैराग्राफ पे भी लगाना है जो कि इसके अंदर है, ठीक है, जो कि इसके अंदर है। तो अब आप एक तो तरीका ये हो सकता है, इस पैराग्राफ पे आप सेम क्लास अप्लाई कर दें, अगर आप क्लास के ज़रिए आपने अप्लाई किया तो, या आप इस पे वो दोबारा पूरी स्टाइलिंग लिख दें। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप बोलें यार इस पी पे ना जो बॉर्डर की वैल्यू है वो क्या कर दो, इनहेरिट कर दो, तो वो क्या करेगा अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लेगा, जो भी उसका पेरेंट होगा अपने तमाम पेरेंट में वो जाके देखेगा, बॉर्डर जहाँ पे उसको मिल जाएगा सबसे पहला बॉर्डर जहाँ उसको टकराएगा वहीं से वो वापस आके वो अपना अपने ऊपर अप्लाई कर लेगा, ठीक है। तो कुछ जो इनहेरिटेड है ना वो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद से इनहेरिट होगा वो, और जो इनहेरिटेड नहीं है उनको आप इनहेरिट करवा सकते हैं CSS के रूल्स के ज़रिए। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट लेकिन यहाँ पे जो हमने अभी देखा था ना इसमें इनहेरिट आ रहा था वो, ठीक है। जैसे आप ना कलर इक्वल्स टू करके इनहेरिट कर सकते हैं, और जो इनहेरिट है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं ना, इनहेरिट वाले को आप ख़त्म भी करा सकते हैं कि इनहेरिट मैंने नहीं करना कलर इसका किसी एक पे, ठीक है। वेल, उसकी इनहेरिट वाले को ख़त्म कराने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि आप क्या करते हैं जो आपने दूसरा सेटिंग अप्लाई करनी होती है वो आप लगा देते हैं उसके ऊपर, तो वो खुद ही ख़त्म हो जाता है, उस पर ओवरराइट हो जाता है वो। अच्छा, वाई यूज़ स्टाइल शीट वैन बिल्डिंग अ वेबसाइट, देर आर सेवरल एडवांटेजेस टू प्लेसिंग योर CSS रूल इन सेपरेट स्टाइल शीट। अब सेपरेट स्टाइल शीट में जो आपने CSS लिखनी है ना उसके ये फ़ायदे इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, उसके इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सही दिख रहा है ना, हंस रहे क्यों? नहीं, कोई जोक है तो मुझे भी बताओ यार। अच्छा, मिसाल के तौर पर। अच्छा, तो ये कह रहा है भाई सम टाइम यू माइट कंसिडर प्लेसिंग CSS रूल इन सेम पेज एज योर कोड। कह रहा है सम टाइम आप सेम पेज पे भी लगा सकते हैं, उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए, तो ये आपने खुद से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, आज आपका, अभी मुझे याद आया, आज तो आपका टेस्ट होने वाला था। हाँ, मुझे ये अभी अभी याद आया कि आज तो टेस्ट था आपका, तो नहीं तो जो आएगा उसी के लेंगे। तुम छह बच्चों की एक फोटो हो जाए, एक ग्रुप फोटो हो जाए तुम छह बच्चों की। ये भाई छह होने हर बच्चे नहीं, सात हैं ये तो। किसको, क्यों, ये गिनती में हाफ आता है?
अभी टेस्ट चलो हम करते हैं ये, अभी मंडे को जो क्लास होगी ना आपकी, इसमें टेस्ट है, ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगा मैं कि मंडे को आपका टेस्ट है। हाँ नहीं तुम साथ आ जाओगे तो बस। अच्छा, नहीं तो मतलब टेस्ट में नहीं आने से तो एलिमिनेट हो जाता है बंदा, ये उनको नहीं पता है। अच्छा अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि CSS के ना कुछ डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसे HTML के हमने देखा था 3-4 अलग अलग वर्जन थे, 4 वगैरह, उससे हमें कुछ करना तो नहीं है, हमने तो नया वाला ही करना है, लेकिन जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा है कि यार कुछ डिफरेंट वर्जन है। CSS 1 जो आई थी वो 1996 में आई थी, उसके बाद CSS 2 आ गई 2 साल के बाद, और CSS 3 जो है ना वो अभी ऑनगोइंग है जब तक ये बुक लिखी जा रही थी, और अभी भी CSS 4 का कोई पता नहीं है। तो जितनी भी नई प्रॉपर्टीज़ अभी फ़िलहाल ऐड की जा रही हैं वो CSS 3 का पार्ट बन रही हैं, सही है, क्योंकि CSS या HTML या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें कंटिन्यूसली नए कीवर्ड्स ऐड किए जाते हैं, नए फीचर्स उसमें ऐड किए जा रहे होते हैं। तो अभी CSS में अगर कोई नई चीज़ ऐड की जाएगी राइट नाउ तो वो भी CSS 3 का पार्ट बनेगी। CSS 3 फाइनलाइज नहीं हुई है अभी तक, ऑन गोइंग है ये, ठीक हो गया। अच्छा तो अब ये ब्राउज़र, ये क्वर्क्स क्या चीज़ है ये आपको मैं बता देता हूँ। एनी सीजन यूज़र फॉर CSS विल टेल यू दैट सेम द सम ब्राउज़र डिस्प्ले अ फ्यू ऑफ द CSS प्रॉपर्टीज एन अनएक्सपेक्टेड वे, बट फाइंडिंग द स्क्वैशिंग दोज बग्स इजी व्हेन यू नो हाउ। अच्छा जैसे कि HTML 5 में हमने ये देखा था कि तमाम ब्राउज़र ना HTML 5 को भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी नया टैग ऐड होगा HTML 5 में, अगर नया टैग ऐड किया जाएगा तो वो 5 में ही होगा क्योंकि HTML 5 भी फाइनलाइज नहीं हुई है अभी तक। इसी तरह CSS 3 में भी आज अगर कोई नई चीज़ ऐड की जाएगी तो वो तमाम ब्राउज़र में आज ही उसकी सपोर्ट नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। हर ब्राउज़र अपने आगे पीछे देखते हुए फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करता है, ऐड करता है। तो CSS 3 में भी कुछ ऐसा ही है कि तमाम ब्राउज़र जो है वो CSS 3 को कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा ये भी आपको कैसे पता चलेगा, ये भी आपको ऐसे पता चलेगा कि भाई जैसे ये कलर है ना, तो लास्ट में इस डॉक्यूमेंट की सपोर्ट होती है कि ये कलर की जो प्रॉपर्टी है ये कौन कौन से ब्राउज़र में और किस वर्जन में सपोर्टेड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्रोम का जो वर्जन 1 था उसमें ये सपोर्टेड है, अभी क्रोम का शायद 100 से भी ऊपर जा चुका है वर्जन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज में जो 12 था वो, माइक्रोसॉफ्ट एज का जो वर्जन था 12, उससे ऊपर वाले पे ये सपोर्टेड है जो कि रिलीज़ हुआ था 2015 में। वेल बड़ी देर से सपोर्ट दी इन्होंने, 2015 में जाके कलर को सपोर्ट दिया। अच्छा इसी तरह ये सफारी और ये ओपेरा और ये सैमसंग का पता नहीं कौन कौन से और दूसरे हैं, ठीक है, तो उन सब में ये आपको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे सपोर्टेड है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि ड्रॉप शेडो वगैरह, कोई ऐसी नई प्रॉपर्टी अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। हाँ ये इनिशियल लेटर जो है, ये इनिशियल लेटर एक CSS की प्रॉपर्टी है। अब इसकी हम देखते हैं कि सपोर्ट इसकी क्या है, ये किसी में भी सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ सफारी में चलता है ये और किसी में भी नहीं चलता, सही है। अच्छा इस पे इन्होंने ये बोतल बना के भी दिखाई हुई है कि ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है, अभी ये भी नया नया ऐड हुआ है फ़ौरन और अभी ये सब ब्राउज़र्स में सपोर्टेड नहीं है इस वजह से। तो इस तरह के जितने भी नए आइटम्स होंगे ना वो तमाम ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई ऐसी नई CSS की चीज़ आपने अप्लाई करनी है जो बिल्कुल लेटेस्ट आपको कोई सजेस्ट कर रहा है और वो बुक में उसका जिक्र नहीं है, तो आपने उसको चेक कर लेना है कि ये किस ब्राउज़र में सपोर्टेड है किस में नहीं है। अच्छा तो एक तो ये बात हो गई, दूसरा ये कि कुछ प्रॉपर्टीज़, क्योंकि स्टाइलिंग है ये, कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ स्टाइलिंग कुछ ब्राउज़र में डिफरेंट तरीके से दिखती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या मिसाल के तौर पर आपने पूरी वेबसाइट बना ली
तो वेबसाइट को कंप्लीट करने के बाद आपको उसको डिफरेंट ब्राउज़र पे टेस्ट करके देखना पड़ सकता है कि भाई ये तमाम ब्राउज़र पे क्या सही चल रही है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए इन्होंने ना कुछ टूल्स बताए हैं। एक ब्राउज़र कैम नाम का टूल है, अब इसको ओपन करके देखते हैं कि ये क्या है। ये ब्राउज़र कैम नाम का टूल है एक। ये क्या हुआ, एप्स प्ले ग्राउंड? नहीं, मेरे ख्याल है ये किसी दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया इसने मुझे। ये पता नहीं, शायद ये एक्सपायर हो चुका है डोमेन। वेल, एक एडोब वालों का, एडोबी वालों का browserlab.com, अच्छा ये भी एक्सपायर हो चुका है। दूसरा देख लेते हैं। नहीं, नेट का मसला क्यों होगा यार। crossbrowsertesting.com, अब यार पता नहीं इनके नाम चेंज हो गए। वेल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इस तरह के जो टूल्स होते हैं ना हमारे पास, हम उसको क्या कहते हैं, इसको टेस्टिंग टूल होते हैं बाय द वे। ये वैसे तो अभी इसका यार एक अच्छा सा नाम होता है, वो मेरे जहन से बिल्कुल उतर गया, बिल्कुल ये वो हो गया। वेल, इस तरह के टूल्स के ना एक नाम होते हैं। अच्छा, ये वाला टूल जो है आमतौर पर डेवलपर्स नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे ये वाले टूल डेवलपर नहीं इस्तेमाल करते। इसके लिए QA का डिपार्टमेंट होता है, तो वो QA वाले ये वाले टूल इस्तेमाल करते हैं। और जब वंस आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना टास्क, तो वो उसको तमाम डिफरेंट ब्राउज़र्स पे चेक करके और आपको फीडबैक देते हैं। और अगर कोई बग्स उनको नोटिस में आते हैं तो वो बताते हैं आपको कि यार ये वाले बग्स हैं और ये इस ब्राउज़र में इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांस में तो आप सब कुछ खुद ही होते हैं ना, फिर QA भी खुद होते हैं, फाइनेंस की भी डिस्कशन खुद ही करते हैं आप। तो एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम करते हैं तो ये सारे टूल आपको खुद यूज़ करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो गूगल क्रोम के अंदर भी एक टूल है बड़ा अच्छा जो हम यूज़ करते रहे हैं। जैसे ये air.sysborg मैंने ओपन किया, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिवाइसेस का इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ होता है कि अगर मेरा ये जो वेबसाइट है, अगर ये आईफोन SE में अगर ओपन होगा तो ये इस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से दिखेगा ये। तो इससे मेरे तो काम जितने एटलीस्ट हैं वो इस वाले टूल से ही हो जाते हैं, तो मुझे वो ब्राउज़र कैम वगैरह यूज़ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आईपैड एयर में अगर दिखेगा तो इस तरह का दिखेगा। सही है, ऐसा दिखेगा। कुछ डिवाइसेस में तो ये वो भी बना देता है, एक फ्रेम भी बना के दिखाता है, जैसे इसमें फ्रेम बना के दिखाता है किस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो मेरे जो ज़्यादातर काम है वो इसी इसी वाले जो आपके गूगल क्रोम के इंस्पेक्शन टूल है ना, इसी से ही हो जाता है। तो आमतौर पे हम क्या कर रहे होते हैं, एटलीस्ट हम तीन जो डिवाइसेस हैं, मतलब लैपटॉप और टैबलेट और मोबाइल मीडियम, इन तीन डिवाइसेस पे उसको हम चला कर चेक कर लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात ये कि गूगल क्रोम जो है ना, वो एक ऐसा ब्राउज़र बन चुका है इस वक्त कि सब जगह पे गूगल क्रोम ही आ चुका है। आज से कुछ अरसे पहले तक ना, ब्राउज़र जो होते थे वो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स होते थे। जैसे एक सफारी ब्राउज़र होता था जो एप्पल की डिवाइसेस में डला हुआ होता था, अभी भी होता है वो। एक मोज़िला फायरफॉक्स हुआ करता था, और एक इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, ओपेरा मिनी भी शायद हुआ करता होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह के ना नंबर ऑफ ब्राउज़र्स थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हुआ ये है कि गूगल वालों ने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया क्रोमियम के नाम से। अभी तो नहीं किया, अभी तो काफ़ी ज़माना हो गया उसको। और वो क्रोमियम जो प्रोजेक्ट है ना, वो क्या चीज़ है एक्चुअली, कि गूगल क्रोम के अंदर का जो जो इंजन है, जो जो सिस्टम है उसके अंदर का, उसको गूगल क्रोम की UI से अलग कर दिया उन्होंने और उसको ओपन सोर्स कर दिया। अब होता क्या है कि अगर आपको ख़ुद का ब्राउज़र बनाना है तो आप क्या करते हैं, उस क्रोमियम को उठाते हैं, उसमें जस्ट आपने ये बताना होता है कि UI कैसे दिखनी चाहिए, UI उसके ऊपर बिल्ड करनी होती है कि ब्राउज़र की UI कैसी होगी, यानी फ्रेम वगैरह जो दिख रहा है ब्राउज़र पर,
वो आपने बताना होता है और आपका ब्राउज़र तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस वक्त जो जितने भी 90% के आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में छोटे छोटे ब्राउज़र बहुत सारे आ गए हैं, ब्रेव ब्राउज़र, तो पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब नाम के ब्राउज़र हैं, वो सारे ब्राउज़र ना एक्चुअल में क्रोमियम है। सही है, एंड्रॉइड गूगल ने बनाया उसको क्या फ़ायदा है, क्रोम क्या फ़ायदा है, मैं यही तो सारा डेटा तो उसके अंदर क्रोम फिट कर रहे हैं, आप तो सिर्फ एक स्क्रीन बना रहे। नहीं, मैं कुछ और सवाल कर रहा हूँ। एंड्रॉइड की जितने डिवाइसेस हैं दुनिया में, एंड्रॉइड गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, गूगल ने बनाया और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो उसका भी यही है ना, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, वो है OSAP, पता नहीं SOAP करके, नहीं वो ऐसा, वो ओपन सोर्स एक प्रोजेक्ट है एंड्रॉइड का। तो ये जितने भी सैमसंग ओप्पो शाओमी है ना, ये वो क्या करते हैं, वो उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूरा, और उसके ऊपर अपनी UI बिल्ड करते हैं, आइकन्स वगैरह कैसे होंगे, सेटिंग में कैसे दिख रहा होगा, वो सब बिल्ड करके ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वो अभी ये मैं लिखूँगा ना, ओपन सोर्स एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ओपन सोर्स एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का ना ये लैंडिंग पेज है इनका, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। अब आप क्या करते हैं, इसका कोड पूरा रखा हुआ है इन्होंने github.com पे, पूरा कोड डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। और अगर आपने खुद UI नहीं बनानी तो कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, UI भी खुद बन जाती है, जो बिल्ट इन जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है वो बन के आ जाता है सामने, किसी भी डिवाइस पे आप उसको इंस्टॉल कर लें, आपकी मर्ज़ी, कोई टैबलेट डिवाइस हो, कोई कंप्यूटर लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप एंड्रॉयड, पता है ना आपको। तो एंड्रॉयड गूगल ने जो बनाया उसका क्या फ़ायदा है, एंड्रॉयड को मतलब गूगल को, पिछले 10 साल से, या मेरे ख्याल है 2006 में आया था एंड्रॉयड, या 2004 में आया था पहला जो रिलीज़ आई थी इसकी, तो 20 साल हो गए था काइंड ऑफ। तो गूगल को क्या फ़ायदा है एंड्रॉयड से, कोई बता सकता है, कभी सोचा है, गौर किया है गूगल क्या बिक रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिक रहा है, लेकिन वो बिक रहा थोड़ी है, वो तो फ्री ही दे रहा है। सर उसके पास डेटा है, मिसाल के तौर पे क्या डेटा, उसके जितने के अंदर भी ऐप्स वगैरह है, तो अल्टीमेटली हमारे सबसे पहले ये ISP जो होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हां उसको हमारा डेटा एक्सेस मिलता है, फिर आगे गूगल बिल्कुल सही तुमने कहा है कि, लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है कि वो किस किस्म का डेटा चाहते हैं वो गूगल, ये तो डेटा ही बताऊँ वो किस किस्म का डेटा चाहते हैं। आप हैं, आपके ब्रांड कंपनी है शूज़ की, अब आपके शूज़ बिक नहीं रहे, आपने बोला भाई गूगल वालों को बोला, गूगल जो है वो जूते बेच रहे उसकी एक साइट है, आपने गूगल का एक प्रीमियम वो ले लिया, मिसाल के तौर पे पैकेज ले लिया कि भाई आपके जो वेबसाइट है ना वो हम दिन के अंदर 1000 दफ़ा दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं सर्च करता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है मैं अपने दोस्त से किसी से बात कर रहा, जूते लेने, आपने लिया हुआ गूगल का प्रीमियम पैकेज। ठीक है, अब गूगल वही जो मैं जो टाइप कर रहा हूँ और जो सारा जो मैं अपने रिसर्च कर रहा हूँ ना, वो गूगल वहाँ से उठाएगा और मुझे जमा मलिक की वेबसाइट दे देगा, तो इससे काम चलता रहेगा। नहीं, ये प्रीमियम पैकेज एडवर्टाइजर ले रहा है, ये कह रहे हो तुम? हाँ, मतलब मिसाल के तौर पे आपने उनका एक पैकेज ले लिया। हाँ अच्छा, नहीं वो मैं बिल्कुल सही पहुँच गया हो तुम, बिल्कुल सही समझाइए। तो फेसबुक पे ना कभी ऐड रन करोगे ना, अगर जो ऐड रन होते हैं फेसबुक पे पेज होता है, अगर आपका पेज अगर है तो आप उस पेज पे ऐड रन कर सकते हैं, उसमें जो टारगेटेड ऑडियंस सेट करनी होती है उसमें, कि किस तरह के लोगों को ये ऐड दिखाया जाए, उसमें वो जो ऑप्शंस दिखाता है ना, तो आप सबके पास है ना फेसबुक का पेज होता है, उसमें कोई भी पोस्ट करोगे तो वो उसमें थोड़ी देर में उसको पहले वो टेस्ट करता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके बाद वो बूस्ट का बटन बना हुआ आ जाता है, वो बूस्ट का बटन दबाओगे ना लैपटॉप के ऊपर और टारगेटेड ऑडियंस में जाकर देखोगे कि क्या क्या ऑप्शन देता है वो, तो इट इज़ माइंड ब्लोइंग। एक तो एज वगैरह होता है ना, वो तो चलो साइनअप में बंदा बता देता है, वो कहता है कि भाई फाइनेंशियली वो बंदा कैसा हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मंथली इनकम 5 लाख से ज़्यादा वाले को दिखाना है, 50,000 वाले को दिखाना है,
बंदा मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, रिलेशनशिप क्या हो उसका, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है उसके अंदर कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये फेसबुक को कैसे पता है। वो यहाँ तक आपसे बताता है कि उस बंदे के पास गाड़ी कौन सी है, व्हीकल कौन सी है, फोर व्हीलर है या टू व्हीलर है, या वो जो बस पे ट्रैवल करने वाला है, जो ट्रेन पे ट्रैवल करने वाला बंदा है। गूगल को ये सारी बातें कैसे पता चल रही हैं, फेसबुक को एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, ये तो फेसबुक को बता रहा हूँ मैं, फेसबुक जो है उसकी सिर्फ ऐप इंस्टॉल है आपके मोबाइल के अंदर, पॉइंट समझ रहे हो मेरा। फेसबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम अपना नहीं है, वो फेसबुक की सिर्फ ऐप इंस्टॉल है। उसको ये सारी बातें पता है, वो तुम कभी स्क्रॉल करके देखना, ऐसी ऐसी उसके अंदर चीज़ें तुम्हें नज़र आएंगी ना, तुम परेशान हो जाओगे कि यार ये पता कैसे चलेगा इसको। जस्ट एक ऐप इंस्टॉल होने से, या ब्राउज़र में मैं खोलता हूँ उसको, तो फेसबुक को इतनी सारी बातें कैसे पता चलती हैं। अच्छा, माइक वाइक कोई ओपन नहीं करता फेसबुक, सही है ये, मतलब माइक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आप डेटा साइंस को एक्सप्लोर करेंगे ना कि कैसे ये पता चलती हैं चीज़ें, तो वो हो जाता है। लोकेशन आपकी पता होती है उसको, एग्जैक्टली आप कहाँ रहते हैं वो गूगल को पता है, फेसबुक को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब खोलेंगे ना, भले आपका अगर लोकेशन बंद हो, लेकिन जो राउटर होता है उसकी भी एक अपनी IMEI नंबर होता है, और एक, हाँ, उसको एक IP एड्रेस का भी एक लोकेशन होती है अपनी, इसके अंदर लगा हुआ होता है लोकेशन, ये भी दे रहा होता है कि ये बंदा कहाँ पर है। अगर ये नहीं देगा तो इसके पीछे जो राउटर है, सिस्को विस्को का, जहाँ पे भी जो इंटरनेट के वो सर्विस प्रोवाइडर के पास लगा हुआ है, वहाँ से मिल जाएगी उसकी लोकेशन, तो वो ट्राइंगुलेट कर लेता है आपको कि आप कहाँ पर हैं और आप कहाँ जाते हैं, किधर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जाहिर है आप जिस रेस्टोरेंट में बैठेंगे, तो फेसबुक खोला ना अगर आपने, तो पता चल जाएगा इस रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में किस किस्म का खाना बिकता सर है। आ जाता है कि यू आर हियर ठीक डिटेल है, पे आ जाता है। तो गूगल के पास मेरे भाई पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल इंटरनेट को ओन करता है, पता है ना आपको। इससे तो कोई डिसएग्री शायद मैं करता, लेकिन मैंने जो चीज़ें अभी ऑब्जर्व की हैं रिसेंटली, कि पूरा इंटरनेट जो है इस वक्त, इंटरनेट में रेवेन्यू सिस्टम क्या है, दो हैं। एक तो सब्सक्रिप्शन है, कि कोई जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया था, भाई डायरेक्ट पैसे दो मुझे, और दूसरा ये होता है कि जो फ्री वेबसाइट्स हैं, जो फ्री सोशल मीडिया वगैरह है, वो सारा किस पे चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे चल रहा है वो सारा कुछ, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा जायंट जो है इस वक्त, एडवर्टाइज़र जो है गूगल, वो गूगल है, ऐसे ही है ना। गूगल का सर्च इंजन जो है वो सबसे फेमस है, पूरी ट्रैफिक गूगल पे आती है, मतलब इंटरनेट चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, वो चेक करने के लिए भी आप google.com लिखते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब इतना बड़ा जायंट है वीडियोस का, वो पूरा एडवर्टाइजमेंट पे चल रहा है, और एडवर्टाइज़र जो सबसे बड़ा है पूरे इंटरनेट पे, वो गूगल है, फेसबुक नहीं है। फेसबुक की तो जस्ट एक ऐप है, लेकिन फेसबुक अभी एक्सपेंड कर रहा है, इंस्टा भी ख़रीद लिया उसने, व्हाट्सएप भी ख़रीद लिया, सब कुछ ख़रीद लिया, लेकिन स्टिल फेसबुक अभी बच्चा है गूगल के सामने। जो दुनिया की जितनी वेबसाइट्स हैं, जो फ्री वेबसाइट्स होती हैं, उस पर गूगल का एडसेंस लगा हुआ होता है, मैंने भी लगाया हुआ गूगल का एडसेंस, पैसे वैसे उससे कुछ भी नहीं आते, लेकिन सेंट्स में आते हैं। सेंट्स में इसलिए आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी आवाम की जो CPM कम है, तो अगर वो US में खुलेगा, वो पे US वाले क्लिक करेंगे तो ज़्यादा पैसे बनेंगे, ठीक है। बाइंग पावर हमारी कम है, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट में हमारा क्लिक्स की वैल्यू कम है हमारे। वेल, तो आप जितनी भी वेबसाइट्स खोलेंगे ना, जो छोटी कंपनीज ने बनाई हुई है, वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चल रही होती है, और वहाँ पे गूगल का एडसेंस लगा हुआ आपको नज़र आएगा। यूट्यूब के ऊपर तो ज़ाहिर है यूट्यूब है ही गूगल का खुद का, ठीक है। उसके अलावा भी जो, अच्छा, तो जब आप वही वाला ना एडसेंस के ऊपर जब आप जाके अकाउंट बनाएंगे, और वहाँ पे जब आप टारगेटेड ऑडियंस सेट करेंगे, तो आपको वहाँ पे फेसबुक से भी ज़्यादा डिटेल्ड टारगेटेड ऑडियंस वहाँ पे आपको नज़र आएगी, डिटेल्ड टारगेटेड ऑडियंस। वो कहता है कि खुद ही से आप लिख दोगे क्या चाहिए आपको। ये फेसबुक पर तो वो ऑप्शंस आ जाते हैं ना, ट्री बनी हुई आ जाती है, ड्रॉप डाउन आ जाते हैं कि भाई इनकम इतनी हो इतनी हो, गूगल कहता है खुद ही लिख दो आप, हमें सब पता है, ठीक है। तो गूगल को पता है कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और किस इवेंट के बाद आप कहाँ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप ब्रेकअप के बाद कहाँ जाते हैं, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सा ऐसा रोड है जहाँ से आप डेली गुजरते हैं, गूगल मैप्स इतना अच्छा है, इतना एक्यूरेटली कैसे काम करता है। आप कहीं पे भी खड़े हुए होते हैं ना, गूगल मैप को आपकी लोकेशन पता होती है। तो गूगल जो है इस वक्त इंटरनेट को जो ओन करता है, वो google.com के सर्च इंजन की वजह से करता है ना। सर तो ये तो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, मतलब प्राइवेसी
प्राइवेसी लीक नहीं है? नहीं, वो प्राइवेसी के कंप्लाइंस सारे फॉलो करते हैं ना वो मिसाल के तौर पर कल कोई पावरफुल मैं हूँ, समझे, कोई बड़ा दहशत कर पावरफुल आदमी चला जाए, बोले भाई इसकी मुझे सारा डेटा कैसे देगा? हाँ बिल्कुल देगा, क्यों करके देगा? बिल्कुल देगा, कैसे नहीं देगा? आपको पता है टेलीकॉम टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, आप जो है जब 7 साल के थे आप, तो आप कहाँ रहते थे, कहाँ जाते थे? वो डेटा टेलीकॉम कंपनीज ने भेज दिया है ऑलरेडी। हाँ, आपके पास फीचर फोन है तो आप समझ रहे हैं आप ट्रैक नहीं हो सकते। फोन रिंग कैसे होता है? जिस दिन तुम्हारे पास फ़ोन आया था पहला, उस दिन से तुम्हारा सारा डेटा स्टोर्ड है। फ़ोन रिंग कैसे होता है? आप बोलेंगे ना, नहीं यार फ़ोन तो यहाँ पे ऑफ पड़ा हुआ है, ये ऑफ थोड़ी है, ये तो स्क्रीन इसकी बंद हुई हुई है। ये रिंग कैसे होता है? ये किसी टावर से कनेक्टेड है, एक्चुअली पास में कोई टावर है उससे कनेक्टेड है, तो टेलीकॉम कंपनी को पता चल रहा है ना कि मेरे इस टावर से कितने लोग कनेक्टेड हैं, तो वो ये लॉगिंग कर रहे होते हैं इसके, तो इसको तो आप किसी भी तरह, और वो डेटा आपका नहीं है, वो उनका है, क्योंकि टावर मिसाल के तौर पर मेरे वाईफाई से कौन कौन कनेक्टेड है वो तो मेरे लैपटॉप पर मैं देख सकता हूँ ना, तो मतलब ये तो मेरा डेटा है ना कि कौन कौन कनेक्टेड है मेरे टावर से, आपका थोड़ी है ये, तो इसको अगर किसी को बेचूं तो कोई एलिगेशन भी नहीं है इसके ऊपर। तो फीचर फोन भी जिस बंदे के पास है वो भी कब कहाँ, अच्छा एक टावर से जब ये छूटेगा ना, जब मैं यहाँ से ट्रैवल करूँगा तो एक से छूटेगा तो दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, तो मोबाइल फ़ोन कंपनी को एग्जैक्टली पता है कि मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, या मैं कल शाम को 6 बजे कहाँ था, या कहाँ से गुजरा था, कहाँ से गुजर के कहाँ गया था। नहीं तो मुझे मोबाइल फ़ोन कंपनी मुझे क्यों रीच करेगी? हाँ हाँ, 6 स्टार मेरे पीछे लगे हैं। नहीं तो अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास फ़ोन है ना, अगर तो इसका पाथवे ये होगा कि सबसे पहले तो वो टेलीकॉम कंपनी से पूछेंगे कि अगर उनको मेरा IMEI नंबर पता है, अगर तो वो भी नहीं पता, अगर तो वो भी नहीं पता तो पहले तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मेरा निकालेंगे, वो उस पर कितनी सिम रजिस्टर्ड है वो ये देखेंगे, जितनी भी सिम रजिस्टर्ड है। अच्छा, वो सिम जिंदगी में जिस IMEI नंबर पे लगी ना, वो सारे IMEI नंबर सेव होते हैं जिंदगी में, जहाँ जहाँ लगी है, तो उस मेरे जितने भी रजिस्टर्ड नंबर हैं उनके तमाम IMEIs निकालेंगे वो, और उन तमाम IMEI के ऊपर वो सर्च मारेंगे कि अभी पिछले 24 घंटे में इनमें से कौन सा IMEI किसी टावर से कनेक्ट हुआ है, तो बस वही मेरा नंबर है। पर फ़ोन बंद कर दें, फ़ोन मैं अपने जेब में ना रखूँ, फ़ोन ऑफ करके मैं अपने जेब से हटा दूँ, कहीं और कर दूँ। तो हमने मूवीज़ में देखा होगा ना, वो उसको ट्रेन में डाल देता है फ़ोन को, ट्रेन के साथ साथ फ़ोन घूम रहा होता है देखा है तुमने, ट्रक जा रहा होता है ट्रक के अंदर डाल देता है फ़ोन। वेल, तो जो गूगल है वो इसी वजह से इस वक्त इंटरनेट का बादशाह है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उनका है, दुनिया के जितने फ़ोन हैं सब में एंड्रॉयड है, iOS के अलावा, iOS भी है बहुत बड़ी तादाद, लेकिन एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा है। तो दुनिया के जितने फ़ोन है ऑपरेटिंग सिस्टम उनका, आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो ब्राउज़र उनका, जाके सर्च इंजन पे आप जब सर्च करते हो तो वो सर्च इंजन उनका है, और सर्च इंजन से विज़िट करने के बाद जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे गूगल की एनालिटिक्स लगी हुई है, और उसी वेबसाइट के ऊपर गूगल के एड्स भी चल रहे हैं। तो आप एक्चुअली में इंटरनेट में किसी भी जगह घूम रहे हो ना, आप गूगल पे ही खड़े हुए हो, google.com पे ही खड़े हुए हो आप, समझ रहे हो ये बात? और ऐसा किस वजह से? ऐसा इस वजह से कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा, ये चीज़ अब वो चाह रहे हैं कि मज़ीद इसको एक्सपेंड करें, वो चाह रहे हैं कि ओपेरा वालों को वो कह रहे हैं कि आप अपना ब्राउज़र क्यों बना रहे हो, हमसे लो ना आप ब्राउज़र। तो आप इमेजिन करें, इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोमियम बन चुका है, ओपेरा क्रोमियम था ही शुरू से ही, ब्रेव ब्राउज़र क्रोमियम ही था, अभी मोज़िला फायरफॉक्स वालों ने अभी तक अपना चाकरा वो बनाया हुआ स्पाइडर मंकी एक उनका है इंजन, हो सकता है वो भी थोड़े दिनों में बंद करके ना बोले यार क्रोमियम ही कर लो, बिला वजह वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सफारी वाले जो हैं वो इस मामले में बड़ा वो हैं, सख्त हैं, तो वो उन्होंने अभी अपना रखा हुआ है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं क्रोमियम को ही फॉलो कर रहे हैं, जो भी क्रोमियम चीज़ करता है वही सेम चीज़ वो भी करता है। तो ये एंड्रॉयड के अंदर जो काम किया ना उन्होंने, वही काम ये ब्राउज़र में चाह रहे हैं कि हम ब्राउज़र में ये काम कर लें, हर किस्म का डेटा ना हमारे पास हो, ट्रैक कर सकें हम, ठीक है। तो आपको पता है गूगल वाले, google.com वाले एप्पल को पैसे देते हैं हर साल, पता नहीं कितने मिलियन बिलियन डॉलर देते हैं हर साल,
ताकि एप्पल की जो डिवाइसेस हैं उसमें जो सर्च इंजन पे कोई भी बात लिखो ना तो google.com खोले जी। बस 5 मिनट वाइंड अप करते हैं, टाइम हो गया हमारा। वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि गूगल को कितना प्यारा है सर्च इंजन अपना, और उससे कितना बेनिफिट होता है उसको। एप्पल की किसी डिवाइस में ब्राउज़र तो सफारी का अपना है, लेकिन वहाँ पे जब मैं कोई सर्च लिखता हूँ, अभी मैं यहाँ पे सफारी ओपन करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं कोई भी सर्च की टर्म लिखूँगा ना तो वो खुलता google.com है। ये सफारी ब्राउज़र खुल गया, मैंने लिखा कार, और कार लिख के मैंने एंटर किया तो ये गूगल पे जाता है। इस चीज़ के ना गूगल पैसे देता है एप्पल को कि भाई ये नहीं ख़त्म करना बस, बाकी ब्राउज़र भले अपना रखो ये नहीं हटाना, समझ रहे हो? तो ये सारी पावर की बात है। और कोई भी चीज़ इंटरनेट के ऊपर फ्री नहीं है, आप या तो उसके पैसे पे करते हैं, नंबर एक तरीका, या तो आप पैसे पे करते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे हो गया। नंबर दो तरीका, आप ऐड देखते हैं जैसे कि यूट्यूब हो गया। नंबर तीन तरीका है, आप अपना डेटा बेचते हैं जैसे कि फूड पांडा हो गया। ठीक है, फूड पांडा पे ऐड तो नहीं आते फूड पांडा की ऐप में, डिस्काउंट भी देता है वो, 70% डिस्काउंट देता है, तो आप अपना डेटा बेच रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये डेटा इज़ न्यू करेंसी जो कहते हैं ना, वो इसी वजह से कहते हैं कि फूड पांडा की ऐप में जो आपको 70% का डिस्काउंट मिलता है, एक्चुअली आप उसमें अपना डेटा बेच रहे होते हैं। ठीक है, आप ऐड नहीं देखते, आप पैसे नहीं देते, आप डेटा देते हैं अपना, और आप कहते हैं कि मुझे 1000 रुपये वाला बर्गर 300 में दे दो। सही है। तो अच्छा, तो ये हमने ब्राउज़र्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 11 जो है कलर्स हैं, हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 कलर्स, और कलर की साइकोलॉजी को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चैप्टर आप पढ़ लें पहले से, जब भी हम ये बातें कर पाएंगे, वरना सीनियर क्लास है आप, बेहतर ये कि आप बुक पढ़ कर आएँ घर से ताकि हम उसके आगे की बात करें। तो कलर की थोड़ी सी साइकोलॉजी की हम बात करेंगे। एक दफ़ा आपको अगर याद हो तो डिज़ाइन पे हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि व्हाट इज़ डिज़ाइन, यहाँ पे नहीं किया मैंने। अच्छा, वेल, तो वो डिज़ाइन वाली डिस्कशन इंशाल्लाह हम करेंगे कि डिज़ाइन एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज़ डिज़ाइन। डिज़ाइन इज़ समथिंग फंक्शनल, तो फंक्शनल डिज़ाइन क्या चीज़ होती है। ठीक है, हम कुछ रियल लाइफ की डिज़ाइन के एग्जाम्पल्स देखेंगे, डिज़ाइन के ज़रिए क्या कुछ अचीव किया जा सकता है इस बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में नहीं है, बुक में सिर्फ CSS में कलर कैसे लगते हैं और डिज़ाइन कैसे कंट्रोल होता है वो लिखा हुआ है, लेकिन डिज़ाइन एक्चुअल में क्या चीज़ है वो नहीं इसमें लिखा हुआ। अच्छा, हमें क्यों ज़रूरत है डिज़ाइन को समझने की, क्योंकि हम जब एज अ प्रोफेशनल डिवेलपर जब हम काम करते हैं तो डिज़ाइनर से हमें कई दफ़ा कम्युनिकेट करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो हमें डिज़ाइन का अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो हमें डिज़ाइनर की ज़ुबान समझने में आसानी होगी, डिज़ाइनर से कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें डिज़ाइन का पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में।